दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज बाबा दर्शन न्यूज से मैं नाम खां भारत सरकार ने आज दोपहर कहा कि कतर की एक अदालत ने आठ पूर्व नौसेना कर्मियों को अक्टूबर में मौत की सजा सुनाई थी मौत की सजा पाए जाने वालों में चार कमांडर हैं पुणेन्दु तिवारी सुगुनाकर पकाला अमित नागपाल और संजीव गुप्ता हैं और तीन कैप्टन हैं नवतेज सिंह गिल कुमार वर्मा और सौरभ वशिष्ठ व्यक्ति नाविक रागेश गोप कुमार जो कैप्टन के रूप में बताया जाता है उनमें से कई अत्यधिक सम्मानित सैन्यकर्मी हैं जिन्होंने एक बार भारतीय युद्धपोतों की कमान संभाली थी और कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाली एक निजी फॉर्म के लिए काम कर रहे थे परिवारों ने कहा वे इसराइल के लिए जासूसी में शामिल नहीं थे वे कतरी नौसेना बनाने और उस देश की सुरक्षा बनाए गए थे वे कभी जासूसी नहीं कर सकते थे आरोपों का कोई सबूत नहीं है भारत सरकार ने कहा है कि वह अगले कदम पर निर्णय लेने के लिए कानूनी टीम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ निकट संपर्क में है हम शुरू से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे हम कतरी अधिकारियों के साथ भी इस मामले को उठाना जारी रखेंगे गिरफ्तार किए गए कर्मी के परिवार वाले अपने लोगों को निर्दोष मान रहे हैं अब मामले को समझने की कोशिश की जाए कतर की एक अदालत ने जासूसी के एक कथित मामले में भारतीय नौसेना के आठ पुरुकर्मियों को दी गई मौत की सजा पर रोक लगा दी है इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कतर की अपीलीय अदालत के आज के फैसले पर गौर किया गया है जिसमें सज़ा कम कर दी गई है बता दें कि जासूसी के एक कथित मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को कतर की अदालत ने अक्टूबर में मौत की सजा दी थी दोहा स्थित दहरा ग्लोबल के सभी कर्मचारियों भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में ले लिया गया था भारत ने पिछले महीने मौत की सजा के खिलाफ कतर स्थित अपीली अदालत का दरवाजा खटखटाया था विदेश मंत्रालय ने कहा कि कानूनी लड़ाई हम जारी रखेंगे मंत्रालय ने बताया कि कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी उनके परिवार के सदस्यों के साथ आज अपील अदालत में मौजूद थे मामले की शुरुआत से ही हम उनके साथ खड़े हैं हम सभी उन्हें कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे साथ ही कहा कि इस मामले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा मंत्रालय ने कहा कि अभी विस्तृत फैसले का इंतजार है इस मामले की कार्रवाई की गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति के कारण इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है अगले कदम पर फैसला लेने के लिए कानूनी टीम के साथ हम लगातार परिवार के के सदस्यों साथ संपर्क में हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए